नमस्ते दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें अगर आप सही तरह से फॉलो करो तो आपके 90% चांसेस है कि आप फार्मिंग बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये टॉपिक ना सिर्फ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गाय पालन या बकरी पालन से जुड़ी हुई है, ये सभी तरह के पशु पक्षी जैसे कि सुकर पालन, बटेर पालन, मछली पालन, इन सब से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो पहला है ब्रीडिंग, यानी कि ब्रीड। दोस्तों, जब भी आप फार्मिंग स्टार्ट करते हो तो बहुत आसानी से आपके आसपास में ब्रीड नहीं मिल पाते हैं, और इसके चलते हम कई बार बाजार से, हटिया से ब्रीड खरीद के लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है, इससे आपका फार्म बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो सकता है। आप पहले अपने आसपास के फार्म में ढूंढे कि आपको क्या वहाँ पे आपके पसंद का ब्रीड मिलता है। अगर किसी कारण नहीं मिले तो आप अपने इलाके के 50 किलोमीटर के रेंज में जो ब्रीड आसानी से मिल सकता है, बस थोड़ा आँख कान खोल के देख के, समझ बूझ के वो ब्रीड लेके अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको एक सही ब्रीड का चुनाव करना होगा। दूसरा में आता है डीवॉर्मिंग। दोस्तों, आप ब्रीड चाहे कितनी भी अच्छी ले लो, मगर अगर सही समय पे सही तरीके से डीवॉर्मिंग आप ना करो तो आपका फार्म बिजनेस वैसे भी प्रॉफिट आपको नहीं दे पाएगा। ये समस्या है तो चवन्नी भर की, मगर ये आपको लाखों का नुकसान दे सकती है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी ब्रीड रख लो, कितनी भी अच्छी फीड दे लो, अगर आपके पशु पक्षी के पेट में कीड़े रहेंगे तो वो उनकी सारे एनर्जी को, उनके खून को चूस जाएंगे, जिसके कारण आपकी जो फार्म की प्रोडक्ट है वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करें, डीवॉर्म करने से पहले आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि हर 2 से 3 महीने पे आपको डीवॉर्मिंग करनी चाहिए, और वो भी सुबह खाली पेट। कोशिश करें कि आप अपने फार्म के प्रोडक्ट को फार्म से थोड़ी दूरी पर ले जाके डीवॉर्मिंग करें, और वहाँ पे सुबह से शाम तक उसे बांध कर या फिर किसी भी तरह से रखें, क्योंकि वो सारे दिन वहीं पे जो उनके पेट के कीड़े हैं वो सभी वहाँ निकल जाएंगे, और उसके बाद आप उसे अपने फार्म में ला सकते हो। और उसके बाद जहाँ पे उन्होंने सारा दिन लेटरिन किया है वहाँ पे आप थोड़ा चूने का छिड़काव कर दो ताकि वो जड़ से समाप्त हो जाए। इसके बावजूद भी आपको हर 2 से 3 महीने पे दवा बदल बदल कर डीवॉर्मिंग करते रहना है। तीसरा है इनब्रीडिंग। दोस्तों, यहाँ मैं किसी धर्म के बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ताकि आप आसानी से समझ सको इसलिए कह रहा हूँ। जैसे हिंदू धर्म में शादी करने से पहले लोग दूसरे गांव से लड़कियाँ लाते हैं, उसी तरह मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा कि लोग अपने खून के रिश्तेदारों से थोड़ा डिस्टेंस में, यानी कि जैसे एक ही माँ के पेट के बच्चों से एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाते हैं, तो इसे ही इनब्रीडिंग कहते हैं आसान भाषा में। यानी कि आपके जो फार्म के प्रोडक्ट हैं, जो एक ही खून के हैं, जो रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन, बाप बेटी या फिर माँ बेटा लगेंगे, एक बात में कहा जाए जिनसे एक दूसरे का खून का संबंध है, उन दोनों में शारीरिक संबंध नहीं बनने चाहिए। इससे उनका बुद्धि रुक जाती है और आपकी फार्म की वृद्धि भी रुक जाती है। तो दोस्तों, इन ब्रीडिंग पे ध्यान दें, वरना आपके फार्म का ग्रोथ वैसे भी नहीं हो सकता। जो चौथा टॉपिक है वो है बायोसिक्योरिटी। दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए सभी बातें शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाओ और वीडियो बहुत ही कम समय में बन जाए। तो बायोसिक्योरिटी क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, जानना ज़रूरी है कि कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपने फार्म में किसी भी तरह के नया व्यक्ति या फिर किसी भी फार्मर को या फिर कोई भी नया पशु पक्षी को अचानक से अपने फार्म में ना घुसने दें, क्योंकि नए पशु पक्षी और फार्मर से ही आपके फार्म में तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं, जिसके कारण आपको समय समय पर इसके लिए क्षतिग्रस्त होना पड़ता है।
तो दोस्तों, जब भी आपके आपके फार्म में कोई नया फार्मर आए तो आप उन्हें बाहर से ही अपना फार्म दिखाएं, कोशिश करें कि वो अंदर ना जाने पाए। आपको तब जानना जरूरी है कि बायोसिक्योरिटी है क्या, जब आप इसे मैनेज ना कर पाओ। अगर आप ये दो चीज थोड़ा सा फॉलो करो तो आपको बायोसिक्योरिटी में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जब आप किसी पशु पक्षी को अपने फार्म में लाओ तो उसे कम से कम खरीद के अपने घर में 15-20 दिन के लिए रखो, उसे डीवॉर्मिंग मल्टीविटामिन देने के बाद उनमें जुए मारने के जो दवा है वो दे के उन्हें साफ सुथरा करके तब अपने फार्म में उन्हें एंटर होने दो। इससे आपकी बायोसिक्योरिटी मैनेज हो जाएगी। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात वो है न्यूट्रिशन। दोस्तों, आमतौर पे जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्म के प्रोडक्ट को सही खाना तो देते हैं, मगर आप लोग में से ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि हमारे फार्म में जो सबसे ज्यादा होने वाली खर्च है वो है उनकी खाने के ऊपर, यानी कि फीड पर। तो दोस्तों, याद रखें कि एक सही कंपनी का फीड आपके फार्म के प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ब्रॉयलर पालन अगर कभी करते होंगे या किसी ब्रॉयलर पालक को जानते होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, फीड में थोड़ा सा गड़बड़ी उनका FCR को कमा या बढ़ा देता है। तो आपके पशु पक्षी के लिए सही न्यूट्रिशन तभी मिल सकता है जब आप एक सही कंपनी का फीड का इस्तेमाल करो। दोस्तों, हम में से बहुत ऐसे फार्मर्स हैं जो 5-7 रकम के इंग्रेडिएंट्स को मिला के अपने फार्म प्रोडक्ट के लिए फीड बनाते हैं, मगर याद रखिए कि अगर आप छोटे पैमाने पे फार्मिंग करते हो तो ये सही है, लेकिन जब भी आप एक बिजनेस पर्पस से इस बिजनेस को करते हो तो याद रखिए होममेड फीड बहुत ज़्यादा काम में नहीं आती है। तो आपको एक अच्छी कंपनी का फीड खिलाना ही चाहिए, क्योंकि उसमें लगभग 15-20 तरह का इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में मिलाया हुआ रहता है, ताकि आपके फार्म के पशु पक्षी के शरीर में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन का कमी ना हो। तो दोस्तों, वीडियोस खत्म करने से पहले मैं आपको आखिरी बार फिर से वो सारी बातें जो मैंने अब तक कही है शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों ब्रीड। एक सही ब्रीड आपके फार्म के लिए बहुत जरूरी है और आपके प्रॉफिट के लिए भी। तो कोशिश करें कि आप अपने लोकल इलाकों में ही उस ब्रीड को ढूंढें और उसका इस्तेमाल करें अपने फार्म के लिए। दूसरा है डीवॉर्मिंग। दोस्तों, हर 2-3 महीने में आप दवा बदल बदल कर अपने पशुओं को दें, ताकि उनके पेट में किसी तरह का कीड़े ना बचे, क्योंकि अगर पेट में कीड़ा रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगा आपके प्रोडक्ट का। इसके अलावा इनब्रीडिंग पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन पशु पक्षियों में एक दूसरे में खून का रिश्ता है, यानी कि भाई बहन, माँ बेटा या बाप बेटी रिश्ते में लगते हैं, उन्हें एक दूसरे में शारीरिक संपर्क ना बनाने दें। कोशिश करें हर साल अपने फार्म के मेल को बदल दिया करें, इससे भी आपके इनब्रीडिंग मैनेज हो जाएगी। चौथा है बायोसिक्योरिटी। तो दोस्तों, अपने फार्म में कोशिश करें कि किसी भी तरह का नया व्यक्ति या नया पशु पक्षी नया से एंटर ना कर पाए। उनके एंटर करते ही आपके फार्म में नए नए बीमारियां आने लगती हैं। और पांचवा है न्यूट्रिशन, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके फार्म के ग्रोथ के लिए। अगर आप सही फीड अपने प्रोडक्ट को नहीं खिलाते हो तो याद रखिए आप कहीं कभी भी अपने आशा अनुरूप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, एक आखिरी बात, ये मेरा वीडियो लगभग 10 मिनट का है और इस बीच मैंने कोशिश किया आपको जो मेन टॉपिक्स थे उन्हें बहुत ही आसानी से समझाने का, क्योंकि अगर मैंने इतना शॉर्ट में आपको नहीं बताया होता तो एक एक टॉपिक पे लगभग मुझे आपको समझाने में 100-100 मिनट लग जाते हैं।